आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। किसानों से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आलोक प्रियदर्शी मेरे साथ मौजूद है। आलोक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति है किसानों की, और जिस तरह से हमने देखा देश भर में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर स्टेटमेंट्स दे रही है, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो किसानों की स्थिति है उसको लेकर मोदी सरकार और राज्य सरकारों के पास एक बहुत ज़बरदस्त दबाव ये है फार्म लोन वेवर का। ऐसे में हर राज्य को ये लगता है कि उसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है फार्म लोन वेवर माफ करने के लिए, और केंद्र सरकार ने पहले ही ये मना कर दिया है कि वो कोई भी इस कर्ज माफी के संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाएगी। अगर राज्यों को अगर इस संबंध में कदम उठाना है तो उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों से जुटाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में एक एक्सक्लूसिव खबर ये आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो कि खास तौर से सर्वे का काम करता है, मंत्रालय ये सर्वे के लिए है, वो किसानों की माली हालत को लेकर एक देशव्यापी सर्वे कराने जा रही है, जिसमें किसानों के जो जीवन स्तर से लेकर उनके ऊपर कितना कर्ज है, कि क्या वो कर्ज किसी वित्तीय संस्थान से लिया हुआ है या फिर किसी साहूकार से लिया हुआ है, इसके अलावा उनके पास ट्रैक्टर है या नहीं है, घर है तो कच्चा है या पक्का है, उनके घर में कितने मेंबर हैं जो कि उस लैंड पे डिपेंडेंट है जितना किसान के पास इस वक्त लैंड होल्डिंग है, या फिर किसान वो भूमिहीन है, किसी दूसरे से लीज पर लेकर खेती करता है। इसके अलावा उनके पास कोई और दो पहिया गाड़ी या चार पहिया गाड़ी है, साथ ही साथ उनके पास मवेशियों की संख्या कितनी है, ये तमाम जो पैरामीटर्स होंगे इसके आधार पर एक सर्वे सरकार कराने जा रही है। और ये सर्वे की शुरुआत इस साल तो नहीं, लेकिन ये अगले साल की शुरुआत में ही कराने की बात की जा रही है कि हालांकि ये प्लानिंग चल रही है अभी सरकार के अंदर कि इस सर्वे में क्या क्या लेना है, लेकिन इस सर्वे की शुरुआत 18-19 के लिए खास तौर से होगी। तो सरकार ये कोशिश कर रही है जानने के लिए कि 18-19 के दौरान किसानों की क्या स्थिति, क्योंकि अभी साल 17-18 चल रहा है, इस साल नहीं होगा, अगले साल ये सरकार किसानों की सर्वे कराएगी। और जाहिर सी बात है इसके बहुत ही एक तरह से राजनीतिक मायने भी हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार जो ये कंडक्ट कर रही है फार्मर से रिलेटेड सर्वे, जाहिर सी बात है कि इसको इस सर्वे का जो कह सकते हैं रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, सरकार उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, चाहे जिसके बारे में सरकार पहले सोच रही है, या इसके अलावा कई तरह के और भी सरकार राहत पहुंच तो तमाम मुद्दे सरकार के रडार पर होंगे और अगले साल ये सर्वे कराया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करेगा। किसानों की कैसी स्थिति है, माली हालत कैसी है, कितना कर्ज उन्होंने लिया है, कितने किसानों ने बैंक से कर्ज लिया या फिर मनी लेंडर्स के जरिए वो रकम जुटा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर फोकस रहेगा। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल भी हम शामिल करेंगे। शुक्रिया आलोक पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अलाउद्दीन है तमिलनाडु से। नमस्कार अलाउद्दीन जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 300 शेयर एट 66। एग्जैक्ट भाव क्या है खरीद का? 66। ठीक है, और कितना समय दे सकते हैं इसे? मेबी 1 मंथ। ओके, बहुत ज्यादा लंबा समय लेकर नहीं चल रहे हैं, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पे। पुष्कराज क्या सजेस्ट करेंगे? 300 क्वांटिटी ले रखी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की 66 के लेवल्स पे। करीब अगर स्नोमैन की बात करें तो ये जो लॉजिस्टिक्स के शेयर है ये काफ़ी हद तक एक न्यूज चल रही थी जीएसटी के वजह से इनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंट ड्रिवन शेयर है। और अगर हम 2017 की बात करें तो ये फ़िलहाल मार्च के बाद एक टॉपिश जोन में लग रहा है, तो फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह नहीं दे सकता। नीचे की तरफ करीब करीब 40 या 42 का लक्ष्य निकल के आ रहा है और काफी हद तक ये फिलहाल एक वीक बैंड में चल रहा है। तो होल्ड करने की राय यहाँ पर नहीं होगी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में, एग्जिट कर लें और किसी और अच्छे काउंटर में यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी पुष्कराज की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हैं नरेश। नरेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने 2200 शेयर वीवीमेट लैब के लिए 111 रुपए। ओके, और ये कब लिया था आपने? अभी मैडम पिछले हफ्ते लिए थे जी, हाल ही की खरीद है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और तो कब तक मैं रुक सकता हूँ मैडम? 2-3 महीने रुक सकता हूँ। ओके ठीक है, राय ले लेते हैं पुष्कराज। इनके पास वीवी मेड लैब्स के शेयर हैं और आज
काफी सारे छोटी मझोली फार्मा स्टॉक्स में तेजी भी है, वीवीमेड लैब्स भी करीब 1.5% की तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा है और इनको हल्का यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। एक हफ्ते पहले की इनकी खरीद है, शॉर्ट टर्म व्यू ही है, 2 से 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। क्या राय होगी आपकी? जी हाँ, ओवरऑल फार्मा एक काफ़ी बीटन डाउन क्षेत्र है और इसमें एक बाउंस बैक जब भी आएगा तो अच्छा खासा बाउंस बैक आने की उम्मीद है। इसके चलते हुए करीब 125 का एक लक्ष्य रख के फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ 110 के नीचे अगर जाता है तभी ये वीकनेस इसमें जारी रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये फिलहाल एक साइडवेज बैंड में है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब भी ये बाउंस बैक आएगा तो 125 तक का एक लक्ष्य हम दिमाग में रख सकते हैं। ऑल राइट, अगले दर्शक हैं दीपक, जबलपुर से जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? जी मैंने HDIL लिया हुआ है 9330 पे, 500 शेयर है। और ये कब लिया था आपने? मैम 4-5 दिन पहले। ठीक है, तो इंट्राडे का ही आपका नजरिया है या फिर थोड़ा समय दे सकते हैं इसे? अराउंड 1 to 2 months आई कैन वेट। ठीक है, क्योंकि अभी तो भाव से काफी नीचे, थोड़ा वेट करना ही होगा। पुष्कर आज क्या सजेस्ट करेंगे? HDIL 9330 की इनकी खरीद है और फिलहाल थोड़ी कमजोरी आज के सेशन में, 86.40 का स्तर दिख रहा है, क्या करना चाहिए? जून के महीने में इसने एक जिसे कहते हैं लोअर टॉप बनाया है, पहले करीब 100 के करीब चल रहा था, उसके बाद जो टॉप बनाया है 88 रुपये के करीब बना है, तो एक डाउन ट्रेंड में ही फिलहाल है, तो एक 84 रुपये का स्टॉप लॉस रख के अगर अपने भाव के पास आता है तो ये फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 84 रुपये के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो मेरे मायने में इनको एग्जिट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे पुष्कराज इनके लिए? जैसे मैंने आपको बताया करीब करीब 84-83 का एक स्टॉप लॉस ये रखे, इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आती है तो एग्जिट करना ही लाजमी बनता है। ओके, तो 84 के स्टॉप लॉस के साथ HDIL में होल्ड करिए, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की राय होगी इस स्टॉक से। फेसबुक से भी हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। एक दर्शक का हमें मैसेज आया है, राज कपूर ने हमें मैसेज किया है, एटलस साइकिल पर इनका सवाल है, 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं, 286 की इनकी खरीद है और अच्छा मुनाफा यहाँ पर इनको हो रहा है। 286 की खरीद थी, आज 421 के पास ये स्टॉक ट्रेड करा और आज 5% की मजबूती भी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और दूसरा भी सवाल ले लेते हैं, आदित्य गोयनका का सवाल हमें आया है और ये विप्रो पर अपनी राय आपकी राय जानना चाह रहे हैं, स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं और इस वक्त विप्रो 263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पुष्कराज इन दोनों शेयरों में क्या राय होगी? विप्रो में ये नया परचेज करना चाह रहे हैं तो इस लेवल पर क्या आप राय देंगे खरीदने की? और दूसरा जो सवाल है वो एटलस साइकिल पर है, इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या बने रहे स्टॉक में? काफी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ पर हुआ है। जी हाँ, विप्रो आज ही एक्स बोनस हुआ है और इसके चलते हुए लग रहा है कि नीचे की तरफ जो एक 250 रुपये का एडजस्टेड सपोर्ट आ रहा है वहाँ तक पहले जाने की उम्मीद है, उसके बाद अगर पिकअप आता है तो आ सकता है, तो फिलहाल मैं 250 रुपये तक की वेट करने की सलाह दूंगा। और एटलस साइकिल की अगर बात करें तो फिलहाल एक सर्किट में ये शेयर अभी चल रहा है, तो जब तक कि कोई भी ट्रेड 400 रुपये के नीचे का नहीं आता इनको ये लेवल ट्रेल करना चाहिए। जैसे जैसे भाव ऊपर चला जाता है इनको अपनी स्टॉप लॉस लेवल भी ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत ले जानी चाहिए। तो एटलस साइकल्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड ऑन करिए और विप्रो में अभी थोड़ा सा और रुकिए, अभी 261 का लेवल है, अगर 250 रुपये तक आता है स्टॉक तो आप वहां पर एंट्री लीजिए, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। फोन लाइन पर आरके शर्मा जी हैं दिल्ली से, नमस्कार शर्मा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? 1000 शेयर 280 के रेट से 6 महीने हो गए। कौन सा स्टॉक? हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, 6 महीने हो चुके हैं, 280 पे लिया था आपने और काफी नीचे आ चुका है, कितना समय और देंगे इसे? मैडम समय देने का तो टाइम नहीं है, बिल्कुल बस काटने के चक्कर में ही हूँ, क्या करें बताइए। ठीक है, एक हफ्ते। ठीक है ऑल राइट। पुष्कराज 280 का भाव है कि एक हफ्ते में तो नहीं आ पाएगा, क्या करना चाहिए, सजेस्ट क्या करेंगे? आज भले इंट्राडे में 1.5% ऊपर है लेकिन इनकी खरीद से काफी नीचे आ चुका है हिंदुस्तान जिंक, आपके सजेशन क्या होगा? इसका जो एक 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये करीब 266 रुपये तक निकल के आ रहा है और वहाँ तक एक बाउंस बैक जाने की बिल्कुल मेरे को उम्मीद लग रही है। मेटल एज अ होल अगर देखें तो काफ़ी हद तक जिसे कहेंगे मई के महीने में करेक्ट हो चुके हैं
और एक बाउंस बैक इनमें काफ़ी हद तक ड्यू है, तो मैं फिलहाल 266-267 के टारगेट के लिए होल्ड करने की इनको सलाह दूंगा। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन आपको करना है, लेकिन जीएसटी पिक का वक्त हुआ है और संदीप यहां पर पहुंच चुके हैं, बताइए आज कौन सी पिक ली है आपने? देखिए डेरी स्पेस की कंपनी है क्वालिटी लिमिटेड, जिसे आप पहले क्वालिटी डेरी के नाम से जानते थे, उसे आज चुना गया है जीएसटी पिक के तौर पे। देखिए मिल्क इनका मेन प्रोडक्ट है, 0% जीएसटी उसके ऊपर लगेगा, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है इस कंपनी के लिए जहां तक बात है। दूसरी बात, ये जो दूध से जुड़े हुए उत्पाद हैं, जो मिल्क बेवरेजेस हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी की दर है वो 12% तय की गई है। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 26% के आसपास जो टैक्स की दर है वो लगती है, तो करीब 14% के आसपास की जो कमी है वो टैक्स में देखने को मिलेगी जैसे जीएसटी लागू होगा। दूसरी ओर अगर आप देखें, अभी तक इनका जो मेन कारोबार है वो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जो इंस्टीट्यूशनल ग्राहक है, जिसमें आप अमूल की बात कीजिए, ब्रिटानिया, मदर डेरी, ये खास क्लाइंट्स हैं इनके जिसके ऊपर ये फोकस करते हैं। लेकिन अब कंपनी अपना जो फोकस है उसे शिफ्ट कर रही है, रिटेल कैटेगरी में ज्यादा उतर रही है, यानी कि B2C सेगमेंट में आ रही है जहां पे मार्जिन ज्यादा होते हैं। और एक केआर चोकसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उनका ये कहना था कि ये जो B2C सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं उस वजह से इनका जो मार्जिन है जो कि करीब 6% के आसपास है वो ग्रो करके अब 7% के आसपास की जो रेंज है उसके में पहुंच जाएगा। पूरे डेयरी स्पेस अगर आप देखें सबसे सस्ता शेयर आपको ये नजर आएगा, जीएसटी जो ट्रिगर है ये, लेकिन FY18 में करीब 12 रुपये के आसपास की ईपीएस होगी, उसके मुताबिक करीब 11.8 के मल्टीपल पर ये काउंटर फिलहाल अवेलेबल है, तो पूरे स्पेस में सबसे सस्ता शेयर है। और केआर चोकसी भी मानते हैं कि अगर आप इसे एक साल के लिए होल्ड करें तो 237 तक के जो जोन्स हैं वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें रिटर्न आने में या तो फिर जो कारोबार में सुधार होने में, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से जैसे जीएसटी लागू होगा तो एक बड़ा मल्टीबैगर काउंटर साबित हो सकता है। तो क्वालिटी आज का जीएसटी पिक है, 237 तक के टारगेट्स यहां पर अचीव हो सकते हैं। शुक्रिया संदीप, आपने आज की पिक बताई और उसके पीछे के ट्रिगर्स भी बताए, साथ ही पुष्कराज आपका भी शुक्रिया समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद FNO कॉलर शो। नमस्कार।